और जब से आए कुछ ऐसे ही घर थे नहीं, पहले और भी खराब घर था, जैसे झोपड़िया हुआ करती थी, बहुत कच्ची आबादी थी। अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हुआ हमारा। तो ये आपने खुद बनाया घर? जी, अपने पैसों से। अपने पैसों से कमरा है, 5,500 रुपए किराया देते हैं हम लोग उसका ना। तो 6 बच्चे मेरे, माशाल्लाह 5 बच्चे, भाई 6 नहीं 5 बच्चे मेरे, इससे भी छोटा कमरा ही है, तकरीबन 6-8 लोग तो रहते हैं एक कमरे में। इतने ही बड़े कमरे? हाँ, एक मकान में तकरीबन 4 से 5 कमरे होते हैं, और उसमें एक मकान मालिक होंगे और 4 किराएदार होंगे, सबको मिलजुल के रहना होता है एक दूसरे के साथ। तो क्या क्या मुश्किलात आपको? बहुत मुश्किलात होती है। सबसे पहले वॉशरूम की मुश्किलात होती है, सही। क्यों, एक ही वॉशरूम होता है, सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, फिर सब लोग एक साथ उठ जाते हैं, ये बोलता है मैं जाऊँ, वो बोलता है मैं जाऊँ, तो इस चीज के लिए हम लोग बहुत परेशान है। वो तो है, पर आपको पता है आजकल का क्या माहौल है, उस हिसाब से परेशान तो है हम लोग, पर क्या कर रहे हैं, मोहल्ला हम लोग का गुजारा कर। सारे लिहारी एक्सप्रेस में जा रहे हैं, वहाँ पे हुकूमत ने उन लोगों को जमीन भी दी है, 50,000 रुपए भी दिए है। उधर जाके रहे? हाँ, वहाँ जाके रहे, वहाँ पे रिहाइश कर रहे। अब वो वाला मोहल्ला ज्यादा बेहतर हो गया इस वाले मोहल्ले से। जिनकी टीम की छतें होती है वो बेचारे पूरी रात सो नहीं सकते, घर पे पानी पानी, हर जगह पानी और गंदगी कीचड़। हाँ, खुद ही बना रहे होते, थोड़े थोड़े पैसे कर, थोड़ा थोड़ा कर करके बना रहे होते। इधर गैस आती है? गैस आती है, पानी आता है? पानी आता है। इधर गर्मी कितनी होती है? होती है, अच्छी खासी होती है, अच्छी खासी होती है। ठंड में भी हमारे घरों में ठंड इस वजह से होती है कि टीम के छत है, जिनके घर होती है हाँ, तो वहाँ पे ज्यादा ठंड होती है, जिनके ऐसे थोड़े बने हुए तो उनकी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो हमने कुछ घर बनाए ताकि जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं जी, उनको हम नए घर दे सकें। इनमें ना बारिश का कोई मसला होगा, ना गर्मी होगी, बहुत अच्छा। इसमें बाथरूम भी है, किचन भी है, नहीं अच्छा बना रहे हमें। अभी तो तकरीबन 50,000 रुपए 60,000 रुपए लग जाएगा आपको बस ऐसे कच्चा बनाने के लिए। अच्छा। थोड़ा और अच्छा बनाएंगे तो 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए आराम से लग जाएगा एक घर में। और एक अच्छा होगा अगर ऐसे सहूलतें मिले हम लोगों को, गरीब लोगों को, गरीबों के दिल से दुआएं निकलेगी।